मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आर्मी ग्रेन सड़का, मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्टेंट बासुंदी की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है और बहुत ही इजी स्टेप्स में बनेगी ये बासुंदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्टेंट बासुंदी की रेसिपी। तो इंस्टेंट बासुंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गिट्स का पैकेट लिया है। इसकी प्राइस आप देख लीजिए 70 रुपये का है, 70 रुपीज़ का, और जिससे कि आपकी 640 ml बासुंदी बनेगी और ये एकदम इंस्टेंट बनने वाली चीज़ है। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता लिया है, इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप आपके मन चाहे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। केसर गार्निशिंग के लिए, और ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों से भी आप अच्छी बासुंदी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 650 ml दूध लिया है, दूध को मैंने बॉईल कर लिया है और ये अभी गुनगुना है, देखिए मुझे गर्म नहीं लग रहा है, गुनगुना दूध है। तो बस यही टेम्परेचर हमें चाहिए बासुंदी बनाने के लिए। अब मैंने इस दूध को गैस पर रख दिया है और फ्लेम बिल्कुल लो है और ऑलरेडी बॉइल्ड मिल्क है, गुनगुना है। अगर आपके आपका जो है दूध बॉइल नहीं होगा तो पहले बॉइल कर लीजिए उसको, ठंडा मतलब गुनगुना होने दीजिए, ल्यूक वार्म जिसको बोलते हैं वो होने दीजिए, फिर उसके बाद में जो किड्स का पैक आता है उसको ऐड कीजिए। तो ये ऑलरेडी गुनगुना दूध है तो इस पैक को मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। इस पूरे पैक को मैंने इसमें मिला लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे बॉइल होने देंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पकने देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे पकने दूंगी, बीच बीच में चलाते रहे इसे, या फिर आप जब तक पकाए तब तक, जब तक आपका मन चाहा गाढ़ा पर नहीं मिल जाता, जब तक जितना गाढ़ा आपको चाहिए तब तक इसे पकाए, या फिर 10 मिनट तक पकाए लो फ्लेम पे। और याद रहे बीच बीच में चलाते रहना है इसको। ये एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, अगर आपके घर पे मेहमान आते हैं अचानक से और आपको कुछ मीठा बनाने का मन है तो आप इस तरीके से 10 मिनट में आराम से बना सकते हैं बासुंदी को, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं इसको, इस पैकेट को। देखिए मैंने बासुंदी को 15 से 20 मिनट तक पकने दिया लो फ्लेम पे, और उसकी क्वांटिटी है आप देख सकते हैं आधी हो गई है, क्योंकि मुझे गाढ़ी पसंद है तो मैंने यहाँ पे गाढ़ी किया। आपको जैसी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ये जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी हो गई है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं, मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर सर्विंग बाउल ले लिया है, उसमें इसे सर्व कर देंगे, ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे कटे हुए पिस्ता और बादाम से, ताकि दिखने में और भी अच्छा लगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। केसर के कुछ धागे, इसे दिखने में और भी रिच लगता है ये बासुंदी, खाने का तुरंत खाने का मन करता है। तो इस तरीके से झटपट इंस्टेंट बासुंदी बना के आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हो। इसका कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा है। अगर आपको मेरी इंस्टेंट बासुंदी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।